उत्तराखंड के लोकप्रिय आईएएस अधिकारी मंगेश खिल्डियाल को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। जनता के बीच अपने कामों को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले मंगेश खिल्डियाल को इस बार सीधे पीएमओ से बुलावा आया है। वर्तमान में टिहरी के जिलाधिकारी पद पर तैनात मंगेश खिल्डियाल अब पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनाती की हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें पीएमओ में अनुसचिव के पद पर नियुक्ति दी है। पीएमओ में अब उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। खबर ये भी है कि उन्हें 3 सप्ताह के भीतर पीएमओ में तैनाती देने को कहा गया है। मंगेश खिल्डियाल 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म पौड़ी के धुमाकोट के डांडियो गांव में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा भी वहीं से हुई। रामनगर से बीएससी किया, नैनीताल से एमएससी किया। मंगेश खिल्डियाल ने अपने संघर्ष के दम पर साल 2010 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी और सफल हुए। उस समय उन्हें आईपीएस मिला, लेकिन अगले साल उन्होंने फिर से यूपीएससी की परीक्षा दी और ऑल इंडिया रैंक 4 के साथ उन्हें आईएएस मिल गया। मंगेश खिल्डियाल चमोली में बतौर सीडीओ अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बतौर डीएम वो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मंगेश खिल्डियाल की कार्यशैली काफी शानदार रही है। रुद्रप्रयाग में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे वो लगातार सुर्खियों में बने रहे और आम जनता के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए। दरअसल ये भी माना जा रहा है कि पीएमओ तक उनका सफर रुद्रप्रयाग से ही शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, जिससे वो प्रधानमंत्री कार्यालय की नजर में आ गए। खुद प्रधानमंत्री भी कई बार केदारनाथ धाम आए और कार्यों का निरीक्षण किया। वर्तमान समय में मंगेश खिल्डियाल टिहरी के जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं, लेकिन अब वो पीएमओ में जाकर अपनी सेवाएं देंगे, जो कि मंगेश खिल्डियाल के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।